करौली के बिनेगा गांव की पीएससी में गर्भवती महिलाओं की जांच व डिलीवरी से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से वहां की महिलाओं को अपनी डिलीवरी के लिए बिनेगा गांव से 15 किलोमीटर दूर करौली जिला अस्पताल जाना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा समस्या पानी व बिजली की है। यहाँ से करौली कितनी दूर पड़ता है? 14 किलोमीटर। कैसे जाती हो आप करौली तक? बस से जाते हैं। क्या आपके यहाँ बिनेगा में जांच वगैरह नहीं होती है? नहीं होती। तो यहाँ पे पीएससी खुली हुई है, तो वहाँ पे कभी गए क्या? नहीं, नहीं गए। यहाँ कोई जांच वांच नहीं होती है, इसलिए नहीं जाते। पहले आपके कितने बच्चे हैं? पहले के दो हैं। तो वो डिलीवरी कहाँ पे हुई आपकी? करौली। तो जब आपकी डिलीवरी होती है तो आप कैसे जाती हो वहाँ तक? टेम्पू से जाते हैं। क्या एम्बुलेंस नहीं आती आपके? नहीं आती। कभी आपने फोन वगैरह किया एम्बुलेंस वालों को? नहीं, करते हैं तो जब भी कहते हैं बिजी चल रहे हैं। ये खून जांच है, सोनोग्राफी आपने कहाँ पे कराई? करौली कराई। नहीं, करौली में तो कराई। करौली अस्पताल में कराई, अस्पताल के बाहर कराई? अस्पताल के बाहर, प्राइवेट कराई। क्यों, अस्पताल में क्या आपकी सोनोग्राफी वगैरह नहीं हुई? नहीं, नहीं हुई। हर साल नहीं होती है, होती है तो कुछ दिन में दिखाई नहीं देता सोनोग्राफी। ये बात किसने कही आपसे? ये कहते हैं कि हम कुछ दिखाई नहीं देता सरकारी में, इसलिए प्राइवेट कराए। आप कभी आंगनवाड़ी पे नहीं गई? वो महिलाएं नहीं आई आपके यहाँ पे? नहीं आती है, आती है। उन्होंने कभी कुछ नहीं दिया आपको? एक बार गोली सी दी बस। पहले बच्चों पे या अभी? अभी। उससे पहले बच्चों पे? नहीं दी। जब मैंने डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने बताया था कि हमें फंड तो आता है, लेकिन वह फंड इतना नहीं आता है कि हम बिजली पानी की व्यवस्था कर सकें। वह फंड इतना आता है कि मेंटेनेंस, बिजली के बिल, पानी के बिल, वे वहाँ पे बीपी मापक या मशीनें, वे छोटी मोटी जांचों की व्यवस्था कर सकते हैं। बिजली पानी के लिए तो हमें अलग से एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, जिसमें हम करौली जिला CMHO से निवेदन करते हैं कि उनकी मांग को सुने, वे जो हमने एप्लीकेशन लगाई है उसके द्वारा उनको फंड दें, जिससे बिनेगा गांव की पीएससी में बिजली व पानी की व्यवस्था हो सके। करौली CMHO का नंबर है 074-64-220-150। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहड़ के लिए।